the first gate today which I want to speak about is the eye gate. Somebody say the eye gate. और देखिए पहले फाटक जिसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वह है आँखों का यह फाटक यानी आँखों के जरिए. This gate is one of the most important gates in our body. और यह फाटक देखिए हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण फाटक है. You see what you see or look can affect you positively or negatively. देखिए जो आप देखते हैं या जिस पर आपकी नजर पड़ती है वो आपको सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. Listen carefully. सुनिए ध्यान से. The eye gate. आँखों का फाटक. What you see, what you look at can affect you positively or negatively. जो आप देख सकते हैं या जिस पर आपकी नजर पड़ती है यह आपको सकारात्मक या फिर नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. The first woman in the world. और हम देखते हैं इस दुनिया में की पहली औरत हव्वा. Genesis 3 verse 6. और निकाले उत्पत्ति का तीसरा अध्याय का छठा वचन. So when the woman saw that the tree was good for food, it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave it to her husband with her and he too ate it. वचन ऐसा कहता है जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में बहुत ही मनभावना भी है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है. आगे लिखा है तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. सो यू सी द थिंग ओवर हियर दैट व्हाट Eve, the first woman saw, had severe repercussions, the effects of which we are having even today. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हव्वा ने जो उस खास बात को जब देखा और उसके परिणाम इतने भारी हो गए जिसका असर प्रभाव आज भी हम देखते हैं. What she saw. जो उसने देखा. You know, first the enemy started speaking to her. और देखिए सबसे पहले तो शत्रु उससे बोलने लगा. But the enemy could not enter that way. लेकिन शत्रु उस तरह से अंदर नहीं आ सका. So the enemy entered through her eye gate. तो इसके वजह से हम देखते हैं शत्रु ने आंखों के फाटक से प्रवेश किया. And the enemy had access to her life. और फिर उसके बाद शत्रु को पहुंच मिल गई उसके जिंदगी में. I want you to understand this right now. और मैं चाहता हूं कि इस बात को समझ लो. The eye gate is one of the most important gates in our body. और ये आंखों का फाटक जो है हमारे शरीर का बहुत ही अहम फाटक है. You see, during the conquest of Jericho, they are just about to enter into the promised land. और देखिए यरीहो की विजय के दौरान अब वे प्रतिज्ञा के देश में बस कदम रखने ही वाले थे. Where the enemy attacks them. शत्रु ने वहां कहां पर उन पर हमला किया. Eye gate. आंखों के फाटक. What do you mean, Pastor? और पासबान जी आप ये कहने का. Please understand this. और मेहरबानी करके समझिए. There was no way the enemy could attack Israel. There was no way the enemy could enter. Now there was one gate that he enters through. It's the eye gate. Let me show it to you. और कोई रास्ता कोई जरिया नहीं था जिसके जरिए देखते हैं कि शत्रु इसराइल पर हमला कर सकता. लेकिन एक ही माध्यम बच गया जिसके जरिए उसने ऐसा किया वो था आंखों का फाटक. Now God had commanded the Israelites. और देखिए परमेश्वर ने इसराइलियों को यह आदेश दे रखा था. He says when you enter Jericho, he says don't touch anything, destroy everything. कि जब तुम यरीहो में कदम रखते हो तो कोई भी चीज अपने लिए मत रख लेना, सब कुछ खत्म कर देना. Don't take any of the things over there as spoils of war. और जो लड़ाई में पाया हुआ लूट के कोई भी सामान है उसमें से कुछ भी अपने लिए मत रख लेना. All of them, nearly all of them obeyed except one person. His name is Achan. और देखिए हर कोई सभी लोग दूर थे लेकिन एक ही व्यक्ति को छोड़के उसका नाम था अकान. You know, many Israelites lost their lives because of this one man. आप जानते इस एक आदमी के वजह से बहुत सारे इसराइलियों ने अपनी जान गंवा दी. Finally, his sin was discovered by man of God Joshua. और आखिर में उसका पाप का पता चल गया, उसके पाप का पर्दाफाश कर दिया गया परमेश्वर के जन यहोशू के जरिए. Now he is confessing his sin. Now watch this. और देखिए फिर आकर वो अपने पापों का अंगीकार करता है, कबूल करता है. Joshua 7 and verse 21. और निकालेंगे इस समय यहोशू का सातवां अध्याय का 21वां वचन. See what it says. When I saw, जब मैंने देखा, among the spoils, that is among the Jericho people, he saw a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver and a wedge of gold wearing 50 shekels, I coveted them. First he saw, then he coveted, then he says, and took them. See the progression. He saw, he coveted, and he took it. देखिए वचन आगे कैसा कहता है, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया. तो देखिए सबसे पहले उसे दिखाई पड़ा, फिर उसके बाद उसने लालच किया, और फिर उसके बाद लालच करके उसने खुद के लिए रख लिया. It all the eye gate. और ये सब कुछ हुआ उसके आंख के फाटक के जरिए. See how the enemy acts. Infiltrated Israel through eye gate. और देखिए कैसे शत्रु ने इस आंख के फाटक का इस्तेमाल करके पूरी इजरायलियों पर पूरी तरह से मुसीबत को ले. Because of this infiltration, many people lost their lives. Israel was defeated at the next battle at Ai. You see, this is very important, church. और देखिए इस एक खास वजह से हम देखते हैं कि इजरायली लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद ए नामक नगर से ये हार भी गए अपनी लड़ाई में. Many defeats come because the enemy uses the eye gate
to infiltrate a person's life. और देखिए बहुत सारे हार व्यक्ति के जीवन में आते हैं क्योंकि yes. शत्रु इस्तेमाल करता है इस आंख के फाटक का और इसके वजह से वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से दूषित कर देता है. Today you're going to have the victory. और आज आपको विजय मिलने जा रही है. Somebody shout hallelujah. कोई तो कहे hallelujah. You know, many people say, oh, God is with me, then why am I being defeated? और बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं हारा हुआ जीवन क्यों जी रहा हूं? The enemy uses the eye gate. शत्रु इस्तेमाल करता है इस आंख के फाटक. You say what you have to say. The battle was lost because one man coveted something. The enemy entered through this eye gate. The whole camp was defeated. और देखिए आप बोलना चाहते हो कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन खास बात यहाँ पर यही है कि शत्रु ने इस आंख के फाटक का इस्तेमाल किया और इसके वजह से इतनी बड़ी मुसीबत उन पर आ गई कि पूरे का पूरा छावनी जो है तबाह हो गया था. You see, the enemy, Satan was talking about Job's life. और देखते हैं कि शत्रु शैतान अय्यूब की जिंदगी के बारे में बोल रहा था. He said, I can't touch the guy. और वो कहता था मैं उस व्यक्ति को छू नहीं सकता. I can't touch anything that belongs to him. जो कुछ भी उसका है मैं उसे छू नहीं सकता. One of the secrets of Job was this. अय्यूब के सारे रहस्यों में से एक खास रहस्य यह था. Watch this. गौर करें. Imagine Satan, the archangel, is a fallen angel, so powerful. He's telling God, I can't touch this man. और देखिए कल्पना करें कि शैतान जो है वो जो कि प्रधान स्वर्गदूत था वो आकर परमेश्वर से कहता है कि इस व्यक्ति को मैं छू नहीं सकता. I believe that Satan had no access to Job. और मुझे पूरा यकीन है कि शैतान के पास अय्यूब तक पहुंचने की कोई सुविधा नहीं थी. One of the secrets of Job is found in Job 31 verse 1. अय्यूब का एक खास रहस्य यह था. आप पढ़ेंगे इस समय अय्यूब के 31वें अध्याय उसके पहले वचन में. I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze at a virgin, at a woman, at a young girl? और देखिए वचन ऐसा कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ ये वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर किसी औरत पर किसी जवान औरत पर मैं आंख नहीं लगाऊंगा. See, please understand this. और सुनिए इसे. Let me read from the contemporary English version, CEV translation. Listen to this. और इस वक्त पढ़ेंगे CEV translation में से ध्यान से सुनिए. I promised myself never to stare with desire at a young woman. मैंने खुद से ये वादा किया है कि कभी भी किसी भी जवान महिला की ओर मैं उसको पाने की लालसा के साथ घूरूंगा नहीं. This word is also applicable to women, okay? और देखिए यही वचन जो महिलाओं के लिए भी लागू होता है. It's not only for men, it's also for women, for everyone that are watching on this planet who are alive, okay? और ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, और ये औरतों के लिए भी है, और इस धरती पर जीवित हर एक व्यक्तियों के लिए है, और हमारे लिए भी है. To see is one thing. और देखिए देखना तो एक बात है. Now, anyone who has eyes will see, right? और किसी के पास भी आंखें हैं, वो जरूर देखेगा. But scripture says to stare, to gaze. लेकिन वचन ऐसा कहता है कि घूरते रहना या टकटकी लगाकर देखना. That is another thing. ये तो दूसरी चीज है. One should be very careful of what you see. और देखिए ये सावधानी बरतना है आपको कि आप क्या देखते हैं. I'm not saying that you should not watch movies and things like that, but you should be careful of what you see. और देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फिल्में नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या देखते हैं. You should be careful of what you watch, what you allow to enter through your eye gate. और देखिए आपको सावधानी बरतनी है कि आप क्या देखते हैं और किस चीज को आप इजाजत देते हैं कि आपके इस आंख के फाटक के जरिए अंदर आए. मैं आपको सावधानी. The eyes, you know, God has designed our eyes in such a way that they are like a lens of a camera that pick up pictures and images and they transmit them to the brain. और देखिए परमेश्वर ने आंखों को इस तरह से बनाया है कि वो कैमरे के जो लेंस होते हैं उसके समान है कि वो छवियों यानी जो चित्र दिखाया जाता है उसे पकड़ लेती हैं, फिर उसके बाद वो दिमाग में छपा देती हैं. एंड दोस थिंग्स आर नॉट ओनली ट्रांसमिटेड ऑन योर ब्रेन, दे आर ट्रांसमिटेड ऑन योर स्पिरिट मैन. और फिर उसके बाद वो चीजें जो होती है वो आपके दिमाग में तो नहीं लेकिन आपके आत्मिक मनुष्यत्व में छप जाती हैं. सो आईज आर लाइक अ वेरी मेजर स्पिरिचुअल गेट दैट कैन रिसीव बोथ पॉजिटिव इमेजेस एंड नेगेटिव इमेजेस. तो आप Listen. देख सकते हैं कि ये आंखें जो है बहुत ही प्रमुख आत्मिक द्वार यानी फाटक है जो आपके लिए सकारात्मक या फिर नकारात्मक दोनों की छवियों. थिंग्स व्हिच हैपेंड इयर्स बैक, 20 इयर्स बैक, 30 इयर्स बैक, 25 इयर्स बैक, यू स्टिल हैव those images inside of you and you saw it. The enemy accessed your life through the eye gate and possibly you'll carry this thing till you go to be with the Lord. जो आपके साथ 20 साल पहले 25 साल पहले कई साल पहले हुई थी आज भी आपको याद है क्योंकि उनकी छवियां जो हैं आप में छपी चुकी हैं और इसके वजह से हम देखते हैं शत्रु ने
अंदर आकर उस पर कब्जा जमा लिया है, और इसकी वजह से आप उन चीजों को लिए चलते हैं, बस संभाले रहते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये हमेशा चलता रहेगा, और यहां तक कि जब तक आप प्रभु के पास चले नहीं जाते, ये चीजें बनी रहेंगी। आई वांट टू शेयर विद यू अ सीक्रेट ऑफ सीइंग इन द रियलम ऑफ द स्पिरिट, और पावरफुल सीक्रेट, और एक रहस्य बांटने जा रहे हैं कि आत्मा के आयाम में आप कैसे देखते हैं। बहुत ही सामर्थ्यशाली रहस्य है। आमेन। आमेन। डू यू नो वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेनी पीपल कैन नॉट सी क्लियरली इन द रियलम ऑफ द स्पिरिट इज बिकॉज़ their eye gate is not sanctified. और देखिए, बहुत सारे लोग जो है आत्मा के आयाम में साफ तौर पे देख नहीं पाते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी ये आंख के फाटक जो होते हैं वे शुद्ध यानी पवित्र नहीं किए गए। You see, many people, they cannot see clearly in the realm of the spirit. Now, please, it goes for you, it goes for me, because our eye gate needs to be sanctified. और देखिए, बहुत सारे लोग आत्मा के आयाम में साफ तौर पे नहीं देख पाते हैं। ये आपके और हमारे लिए भी लागू होता है, क्योंकि उनकी आंखें जो है शुद्ध नहीं की गई। As your eye gate is sanctified, और जैसे आपकी आंखों को यह फाटक पवित्र किया जाता है। Go to Matthew 6:22-23. I'm reading from the Amplified version. Please open your Bibles, everybody. और मत्ती का छठवां अध्याय इस वक्त निकालेंगे। Jesus taught extensively on the eye gate. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर आंख के फाटक के बारे में शिक्षा दी। Yeah, he spoke in verse 22. और 22 वचन में उन्होंने कहा। He said the eye is the lamp of the body. और उन्होंने कहा कि आँख जो है ये शरीर का दिया है। If you're walking through some dark village or dark, you know, dark place, you know, the olden days they had a lamp, you know. और देखिए, अगर आप अंधेरे जगह में कहीं पे जा रहे हैं, गांव में भी अगर, देखिए पुराने दिनों में ऐसा होता था कि उनके पास लालटेन हुआ करता था। The eye, the lamp would show you what is there. और देखिए, वो लालटेन या वो जो दीपक जो है दिखा देता था कि क्या कहां है। The lamp would bring direction to where you're going. और देखिए, वो लालटेन जो है आपके सामने मार्गदर्शन पेश करता था कि आप कहां जा रहे हो। The eye is a lamp of the body. हम देखते हैं कि यही तो आंख जो है शरीर का दिया है। Just imagine that. जरा सोचें। If your eye is sound, if your eye is good, your entire body will be filled with light. और देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी आंखें सही हैं, ठीक हैं, तो तुम्हारा पूरा शरीर जो है उजियाले से भरा रहेगा। How many of you receiving what I'm saying? कितना ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त जो पास बनेगा? Eye is good, your whole body will be filled with light. अगर आपकी आंखें ठीक हैं, अच्छी हैं, तो आपका पूरा शरीर जो है उस ज्योति से, उजियाले से भरा रहेगा। So what you need to take care of the eyes. आपको किस चीज को संभालने की जरूरत है, वो है आंखें। But if your eye is unsound, not good, your whole body will be full of darkness. लेकिन अगर आपकी आंखें जो है सही नहीं है, बेकार है, तो आपका पूरा शरीर अंधकार से भरा रहेगा। Then the very light in you, in your conscience, is darkened. How dense is that darkness? आगे देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि वही उजियाला जो तुम में है, तुम्हारा विवेक, अगर वो अंधकार से भरा है, तो वो अंधकार कितना घना होगा? You cannot function in that revelation because that light is not there. आप उस प्रकाशन में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर वो दीपक नहीं है, उजाला नहीं है। You pray and you just allow, you know, you're praying. It's not that you're not praying, and you are, but you're allowing anything to enter your eyes. देखिए, आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इजाजत भी देते हैं कोई भी चीज आपकी आंखों के जरिए प्रवेश कर जाए। You allow your eyes to wander anywhere they feel like. और देखिए, आप इजाजत देते हैं कि आपकी आंखें जहां भी, जिनको भी, जहां पर भी इसे भटकना है, आप भटकने देते हैं। As a child of God, परमेश्वर के संतान के रूप में, we need to be very careful what we allow to enter through the eye gate. और देखिए, हमें बहुत ही सावधान रहना है कि आंख के इस फाटक के जरिए क्या अंदर आने की हम इजाजत देते हैं। How you see, कैसे आप देखते हैं, really determines whether you are in the darkness or you are in the light. कैसे आप देखते हैं, यही इस बात को निर्धारित करती है कि आप उजियाले में हैं या फिर आप अंधकार में हैं। How you see, कैसे आप देखते हैं, determines whether you are in the light or you are in the darkness. यही इस बात को तय करती, यानी निर्धारित करती है कि आप उजियाले में हैं या अंधकार में। Let's go to our Bibles in the book of Mark chapter 8 right now. और आइए अपने बाइबल में निकालेंगे मरकुस के 8वें अध्याय में इस वक्त। Mark chapter 8 verses 22. मरकुस का 8वां अध्याय उसके 22वें वचन से। And let's read from there now. और चलिए पढ़ेंगे। Then Jesus came to Bethsaida and they brought a blind man to him and they begged him to touch the blind man. देखिए, वचन ऐसा कहता है, वे यानी यीशु उसके चेले लोग बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। So Jesus took the blind man by the hand and led him out of the town. और फिर ऐसा हुआ कि यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। Interesting. दिलचस्प है। And when he had spat on his eyes, now watch that, okay? और गौर करें यहाँ पर, और जब उसने उसकी आंखों में थूका, ध्यान से सुने। And he put his hands on him.
और उस पर अपने हाथ रखे. He asked him if he saw anything. फिर यीशु ने उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है. Blind man looked up and said, "Yes, I see men. I see." He said, "I see men like trees walking." और देखिए उस व्यक्ति ने आंख उठाकर कहा मैं मनुष्यों को देखता हूं वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं. When Jesus touched his eyes, जब यीशु ने उसकी आंखों को छुआ, he could see, उसे दिखाई तो पड़ रहा था. But you see, he was confused because he could not make sense of what he was seeing. देखिए लेकिन वो गड़बड़ी और उलझन में पड़ा हुआ था क्योंकि जो वो देख रहा था उसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. You know, at the start when I read this, men like trees walking, I didn't understand what he's saying actually. और देखिए जब पहले जब इस बात को वचन को पढ़ा गया कि वो कहता है मनुष्य को देखता हूं जो चलते हुए पेड़ों जैसे मुझे दिखाई दे रहे, तो मैं समझ नहीं पाया. He could see, वो देख तो सकता था, but he could not make sense of anything. लेकिन किसी भी बात की वो समझ को नहीं पा रहा था. In other words, दूसरे शब्दों में, the man had sight, but he had no insight. Hallelujah. उस व्यक्ति के पास दृष्टि तो आ गई, लेकिन उस व्यक्ति के पास अंतर्दृष्टि नहीं थी. Could see. वो देख सकता था, but he could not understand or discern what he was seeing. लेकिन जो उसे दिखाई दे रहा था उसे वो ना समझ पा रहा था ना वो परख कर पा रहा था. He could not make sense of what he was seeing. जो वो देख रहा है उसके बारे में वो कुछ समझ नहीं पा रहा था. Write this down. लिख लीजिए. Seeing without insight is seeing without understanding. Oh. और देखिए अंतर्दृष्टि के बिना ये देखना जो है, ये समझदारी के बिना देखना है. Can see but still not understand what you are seeing. Are you with me now? देखिए आप देख तो सकते हैं लेकिन फिर भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप देख क्या रहे हैं. That's why Jesus had to touch him again. और इसी वजह से हमें देखते हैं यहाँ पर कि यीशु ने उसे दोबारा छुआ. And then he saw clearly. फिर उसके बाद उसने साफ तौर पे देखा. You see, it is seeing without discerning significance. That's not seeing at all. और ये देखिए परख के बिना देखना था और ये तो इस तरह से समझा जा सकता है कि उसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था. He's just looking. वो तो बस देख नजर डाला हुआ था. What are you doing? I'm looking. क्या तुम कर रहे हो? बस मैं देख रहा हूँ. There's no discernment in your seeing. आपके देखने में कुछ ऐसा परख नहीं है. There should be discernment in your seeing. Then you will have value in what you see right now. और जिस चीज को आप देख रहे हैं उस देखने में परख का होना जरूरी है. उसके बाद ही आपके देखने वाली वस्तु की अहमियत बढ़ जाएगी. Jesus told the Pharisees. यीशु ने फरीसियों से कहा, You have eyes to see, but you're still blind. तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें तो हैं, लेकिन फिर भी तुम अंधे हो. They saw great miracles. उन्होंने महान आश्चर्यों को देखा. They were seeing. वे देख रहे थे. With their eye gates. अपने आंख के फाटक. They were seeing without insight. They were seeing without discernment, and it did not change them. So when you see with insight, when you see with discernment, you know something inside you will change. How many of you understand it now? तो देखिए जब आप उस परख के साथ देखते हैं, जब आप उस अंतर्दृष्टि के साथ देखते हैं, कुछ तो आपके अंदर है ना बदल जाता है. Two people watch the same miracle. और दो लोग एक ही आश्चर्य को देखते हैं. One changes, one says, nothing happened. एक तो बदल जाता है, दूसरा कहता है, ओह कुछ नहीं हुआ. Both are seeing. दोनों देख रहे हैं. But there's a difference. लेकिन फिर भी फर्क दिखता है. In the seeing. देखने में. May the Lord touch you right now. प्रभु आपको छू ले इस वक्त. May you see with understanding. आप अपनी समझदारी से देखने लग जाए. You see, that's where changes begin to happen right और now. आप देखते हैं यहीं पर तो बदलाव होने लग जाता है. That's where miracles begin to happen in your business. और यहीं पर आपके व्यवसायों में आश्चर्य होने लगते हैं. Say, Lord, give me discernment in my sight. When you see with discernment, you will see things others cannot see. तो देखिए जब आप चीजों को देखते हैं परख के इस खास गुण के साथ, तो आप वो चीज देखने लग जाएंगे जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा. Lift your hands and say, May Lord, may I see with discernment. May I see with insight. चलिए अपने हाथ ऊपर उठाकर कहें, प्रभु होने दे कि मैं परख के साथ देख सकूं, मैं अंतर्दृष्टि के साथ देख सकूं. Hallelujah. Hallelujah. You see, that's why the Paul, the apostle, he prayed in the book of Ephesians chapter 1. और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने इसी वजह से इफिसी की कलीसिया के लिए प्रार्थना की. इफिसी की पत्री पहले अध्याय में. Now this Ephesian church was not some, you know, some गांव खेड़ा का church, you know, some native church somewhere, you know. This was a city like Mumbai, like Singapore, like, you know, London or one of these great cities from where you are. और देखिए अब इफिसस की शहर जो है वो कोई ऐसा देहाती या फिर कोई ऐसा गांव का जैसा कलीसिया नहीं थी, लेकिन हम देख सकते हैं बहुत बड़ा शहर था, जैसे कि मुंबई शहर, सिंगापुर, फिर या फिर लंदन, जैसे आप जहां पर हैं एक बड़ा शहर ये हुआ करता था. You see what he prayed for them?
आप देखते हैं कि किस बात के लिए उसने इंतजार किया। Ephesians 1:17, please open this, make this your prayer। और इफिसियों का पहला अध्याय उसका 17वां वचन मेहरबानी करके इसे खोलिए। He said, "The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the Spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him." और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे। Verse 18, 18वां वचन, "The eyes of your understanding be enlightened." तुम्हारी समझ की आंखें प्रकाशमान हो जाए। Why? क्यों? So that you may know. ताकि तुम जान लो। That you may discern. ताकि तुम परख लो। What is the hope of your calling? कि आपकी बुलाहट की आशा क्या है? That you may discern, you may know what are the riches of the glory of your inheritance in the saints. ताकि तुम जान लो, ताकि तुम परख लो कि पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा क्या है? Somebody shout hallelujah. चले कोई तो चिल्लाए hallelujah. Make the Lord touch your eyes today. प्रभु आपकी आंखों को छू ले आज। Keep your hand over your eyes and say, Lord, help me to see. चलिए अपने हाथ अपनी आंखों पर रखकर कहें कि प्रभु मेरी मदद कर देखने के लिए। Begin to pray. Begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू करें। Ailments of the eyes are being healed right now in the name of Jesus. और इस वक्त आंख की चीजें चंगी हो रही हैं यीशु के नाम में। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Problems in the eyes are being healed right now. आंखों में की समस्याएं इस वक्त चंगी हो रही हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. You will see things you have not seen before. आप इन उन चीजों को देखने जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं देखे। Yes. जी हाँ। This will happen for you. ऐसा होगा आपके लिए। You will look at ordinary things and you say, people say, where did you understand this? How did you understand? It's something has changed in your eyes. आप साधारण चीजों को देखेंगे और ऐसी बातों को आप पता लगा लेंगे जिसे देखकर लोग भी आपसे पूछने के, अरे ये कैसे देख लिया? कहाँ से तुमने ये पा लिया? Save me, Lord, open my eyes. बोलिए हमारे पीछे, प्रभु मेरी आँखें खोल दे. Turn my eyes from darkness to light. मेरी आँखों को अंधकार से उजाले की ओर मोड़ दे. Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु. To fulfill my calling. मेरी बुलाहट को पूरा करने के लिए. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य में. Somebody give Jesus a shout of praise and say hallelujah. चलिए कोई तो यीशु को स्तुति की भेंट चढ़ाए, बोले हालेलुया.